आगे देखो। बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, मैं सब कुछ देखूंगा। अबे छाले का छाला है हमारा, वो जिसने तो पूरा का पूरा टेंट खोल रखा है अपना। तो फाइनली हम रेडी हैं, राव्या यहाँ पे रेडी है। राव्या से हेलो। राव्या देख रही है पापा कहाँ गए। राव्या ने थोड़ा बहुत क्रॉल करना शुरू करा है, तो हम लोग रेडी है, वी आर रेडी टू लीव। पापा बस फाइनल एक टचअप कर रहे हैं, राव्या की सीट बना रहे हैं, तो बस वही है। चलो अब चलते हैं, लेट काफी टाइम हो गया है, हम लोगों को जल्दी निकलना था अभी, लेट्स गो। सो जैसे मैंने बोला था हम लोग रेडी है, पापा और राव्या यहाँ पर है। मोटो हो जो हाल मचा रखा है वो मैं हाल आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि जाते जाते मेरा यही काम है, पहले वहां से समेटो अब यहाँ पे समेटो। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा घर ही उठा रखा है जैसे आपको लग रहा होगा। सो अब हम चल पड़े हैं, चीजें इधर से उधर घूम रही है जैसे जैसे गाड़ी घूम रही है। एंड यहाँ पे हमारे पायलट साहब है। पायलट साहब आपको कैसा लग रहा है? आप आगे पीछे मत देखो, आगे देखो। ऐसा लग रहा है मैं छाज लेके जा रहा हूँ। अच्छा, पूरा पर्सनल जेट ऐसा लग रहा है, पर्सनल घर लेके जा रहा हूँ मैं। पर्सनल घर ही लेके जा रहे हो आपने? अब आपको बताओ, है वन बेडरूम हाउस है ये प्रॉपर, वन बेडरूम हाउस है और इतना सामान हो चुका है। अगर अब कुछ रह गया ना रोहित, तो अब रह गया, अब मैं नहीं जाती फिर इसके बाद। इतना सामान लेने के बाद रहेगा तो फिर तो समथिंग इज रॉन्ग मैन, समथिंग इज नॉट राइट। और यहाँ पे राव्या है, इसका लंच टाइम हो गया है ना, लंच। चलो आपको मैं खाना खिलाती हूँ। ओके, तो गाड़ी में फ्यूल भरवा लिया है, गाड़ी इज फुल्ली टाइट, फुल टैंक है। यहाँ पे राव्या अपना फन कर रही है, अपना एंजॉय कर रही है। वो एक्चुअली ये बोले जा रही है कि मुझे उठा लो गोदी, मुझे भी देखना है तुम लोग बाहर क्या देख रहे हो, मुझे बिठा रखा है नीचे। अभी हम सर्विस पे रुकेंगे तो हम लोग उसको निकालेंगे, अभी तो हम अपनी गलियों में घूमे जा रहे हैं। सो वहाँ पे रोहित गाड़ी चला रहे हैं और यहाँ पे मैं थोड़ी सी घर की सेटिंग कर रही हूँ। अंदर सिर्फ राव्या की अटैची गई है, बिकॉज वो बाहर बोल रही थी। और ये वाली अटैची मेरी और रोहित के कपड़ों की है, और वो सारा का सारा वो बाथरूम का है राव्या का, एक ये है, और ये बैग हमारा खाने का है, बस इतना ही है हम लोगों का। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे सेटिंग होती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती रहूंगी। सो राव्या का सोने का टाइम हो गया है, पर राव्या सुपर एक्साइटेड, मैं सोऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, मैं सब कुछ देखूंगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना करा है, ज्यादा कुछ नहीं करा है, पर थोड़ा बहुत, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हम मैंने इतना यहाँ पे समेट दिया है जैसे आप देख सकते हो। जो डर है, मुझे डर है मेरे दूध का, कहीं मेरा दूध फट ना जाए। फट गया तो कुछ नहीं होता, पनीर भुर्जी खाएंगे सारे हैं। तो बस वही है, बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तब तक मैं देखती हूँ, अगर राव्या एक डेढ़ घंटे के लिए सो जाए तो काफी ठीक रहेगा इसके लिए, क्योंकि ये फिर वहां पे जाके एंजॉय कर पाएगी। तो अब आप ये नजारा देखिए कितना सुंदर है, हरियाली ही हरियाली। तो
आधा घंटा मैं आगे बैठूंगी, बट मैं फिर से पीछे आ गई क्योंकि राबिया उठ गई है। मैं उठ गई, मेरे को सारा रास्ता देखना है कि कैसे क्या क्या चल रहा है ना राबिया, है ना। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रास्ते में बता रहे हैं ओनली 3-4 मिनट्स लेफ्ट। तो जहाँ पे हमें पहुंचना है वो है बंजर इलाका। ये मेरे को अभी तक की सेकंड ट्रैफिक लाइट दिखी है पूरे 2 घंटे के रास्ते में। हम आ गए हैं शिमला की वादियों में, फाइनली हम पहुंच गए हैं कश्मीर। इतना चल चल के चल चल के। डैडी आर वी ऑलमोस्ट देयर। हाँ यही पे ही है इसके पीछे। हाँ दिख रही है बहुत सारी कैरावेंस। नहीं मुझे नहीं दिख रही, तो कोई नहीं अभी हम पहुंच जाएंगे तो दिख जाएंगे। आई थिंक आई saw वन There it is. Oh, तेरी की इतनी सारी। साले ही लगता है यहाँ कश्मीर आ गए छुट्टियां बनाने। तो ये देखो किसी ने अपनी गाड़ी को इसमें कन्वर्ट करवा दिया है। आऊंगा। हाँ कितनी सही लग रही है। कैसे नहीं लगता जैसे इंडिया में हमारे पास एक वैन होती थी जिसमें बच्चे स्कूल जाते थे, वैसी इको इको। तो ये जो आगे आगे जा रहे हैं सर जी, ये हमको हमारी पार्किंग बताएंगे कि हम कहाँ पार्क करेंगे। और अब आप देखो यहाँ पे सारी की सारी। Oh my God, I'm so excited. Wow, रोहित देखो। आप देखो तो सही लोगों ने अपना टेंट वेंट बना के कैसे रखा हुआ है, कितना सुंदर है। Okay, where is that like point? Where is the electric point is it? Yeah. Okay, I'll reverse it, yeah? Cheers, thank you. यहाँ पे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं बच्चे। ये गिल्ली डंडा नहीं, बेसबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे छाले का छाला है हमारा, वो उसने तो पूरा का पूरा टेंट खोल रखा है अपना। इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस, हम यहाँ से काफी कुछ सीख के जाएंगे फॉर नेक्स्ट टाइम। और हमारी पार्किंग कहाँ पे है? ये जो हमने इलेक्ट्रिक वाली पिच ली है ना। हाँ तो उससे राइट हैंड साइड वाली है ये वाली। ओके ये जो इलेक्ट्रिक। हाँ सर हम पहुंच गए लाडू जहाँ हमें पहुंचना था। यू एक्साइटेड? अब यहाँ पे आप कैसे भी घूम सकते हो, आप यहाँ पे वॉकी वॉकी करो, रनी रनी करो, कुछ करो, आप कुछ भी करो ठीक है। दिस इज ऑल योर्स। जो आपको सामने दिख रहा है वो सब आपका है लाडू, ठीक है गुड्डू। सारी फील्ड आपकी है, आपको रनिंग करना है, आपको क्रॉल करना है, आपको कूदना है, आपको जो करना है आप करो। दिस इज ऑल योर्स। एम आई राइट पापा? पापा इज बिजी सीइंग थिंग्स अराउंड। अभी पानी भरना है, इलेक्ट्रिक कनेक्ट करनी है और फिर क्या करना है। क्या देख रही है ये जजरी है। तो 2 घंटे के सफर में गाड़ी में रह के यू हैप्पी एंड यू नो क्लब योर हैंड। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? रियली वांट टू शो क्लब योर हैंड। कैसा लग रहा है गुल्लू गुड्डू? सो हमारी कैरावन वहाँ पे खड़ी है। मैं वहाँ से यहाँ आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये एक्स्ट्रा शावर के रूम दे रखे हैं। और जब मैं अंदर आई तो इस तरफ आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो मेल टॉयलेट है और यहाँ पे फीमेल टॉयलेट है और यहाँ पे यूटिलिटी दे रखी है और साथ के साथ यहाँ पे लॉन्ड्री और ड्रायर भी दिया हुआ है तो जो आप यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं अंदर आई आई वॉज लाइक ओह यहाँ पे भी शावर है। तो यहाँ पे 2 शावर हैं और यहाँ पे टॉयलेट्स हैं। मैं वहाँ पे रोहित को पैर देख सकती हूँ, शायद आप लोग भी देख सकते हैं साथ के साथ।
शैडो आ रही है। चलो देखते हैं दोनों बाप बेटी क्या कर रहे हैं। एंड ओ राबिया को तो वहां पे बिठा रखा है और पापा यहाँ पे सारे के सारे कनेक्शंस कर रहे हैं। इतनी दूर बिठा दिया पापा ने, इतनी दूर है?